अभी इंडिया की टीम टेस्ट और वनडे में दोनों में पहली पोजीशन पे है और अब आने वाले दिनों में वो तकरीबन 9 मैचेस T20 के खेलेंगे और देयर इज लाइक वेरी ब्राइट चांस कि अगर वो जीते हैं तो उसमें भी पहले नंबर पे हो जाएं। तो ओवरऑल अभी जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया इंडिया ने 4-1 से वनडे सीरीज जीते, अभी T20 जो है 3 मैच वो भी खेले जाएंगे, तो ओवरऑल इंडिया अपनी चैंपियंस ट्रॉफी तो हमसे हारा है लेकिन ओवरऑल उनकी जो टीम है वो मुसलसल ऊपर की जानिब जा रही है टेस्ट में भी, लेकिन हमारा वो वाली बात नजर नहीं आ रही। हमसे जो इंडिया की टीम हारी या पाकिस्तान की टीम ने जो इंडिया की टीम को शिकस्त दी, फाइनल में शिकस्त दी और बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त फाश दी है, तो उसको तो हम भी याद रखेंगे वो भी याद रखेंगे। लेकिन आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि इंडिया की टीम को इंडिया में शिकस्त देना बड़ा मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन काम है, ख्वाह ऑस्ट्रेलिया है ख्वाह इंग्लैंड है कोई भी टीम है, बहुत मुश्किल काम है। जब इंडिया किसी और मुल्क में जाएगा वहां पर जाकर टेस्ट वनडे या T20 खेलेगा फिर हम देखेंगे कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही। वैसे भी जाएगा लेकिन ओवरऑल मैं कहता हूं कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शेखर धवन है, राणे है, पांड्या है, उनके पास बड़े जबरदस्त बैट्समैन आ गए, बड़े अच्छे उनके पास बॉलर्स आ गए, बड़ी मैच्योर टीम इंडिया की बन चुकी है। इससे हम